हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सर्दियां चल रही हैं, खांसी और जुखाम सबको कॉमनली होता रहता है, लेकिन इसके बाद जो छाती में और गले में कफ चिपक जाता है, जम जाता है, जिसके बाद हम एंटीबायोटिक्स लेते रहते हैं जिनका शरीर पे बहुत ही गंदा असर पड़ता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होम रेमेडीज़ जिनका यूज़ करके आप बहुत ईजिली कफ को निकाल सकते हैं, आपको फिर एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बना रहना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आपके एक लाइक के साथ। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपका कोई भी डाउट हो या फिर पर्सनली आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर आप मुझसे पूछ सकते हो। आज मैं आपको कुछ टिप्स और होम रेमेडीज़ बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप अपनी सर्दी जुखाम को ठीक कर सकते हैं, अगर बुखार है तो भी ठीक कर सकते हैं बहुत इजीली बिना दवाई लिए घर पर ही। सबसे पहले हम बात करते हैं काढ़े की। तो आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिएंगे, जैसे कि आप लेंगे पानी का एक गिलास, लौंग लेंगे दो, काली मिर्च लेंगे 3 से 4 दाने। आप देख लें कि काली मिर्च ही हो, क्योंकि काली मिर्च में पपीते के बीज मिक्स कर देते हैं, तो आप टेस्ट करके देख लें और काली मिर्च ही लें। छोटी इलायची लेंगे एक, और तुलसी पत्ते लेंगे 4 से 5 लेंगे, अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, गुड़ लेंगे 1 चम्मच, या फिर आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। अगर आप चाय पत्ती डालना चाहते हैं तो आप चाय पत्ती लेंगे, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको चाहिएंगे। काढ़ा बनाने की विधि। काढ़ा बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक गिलास पानी लेंगे, एक गिलास पानी को उबालेंगे, जब पानी उबल जाए अच्छे से उसमें जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स लिए थे वो डाल देंगे, जैसे कि काली मिर्च, लौंग, इलायची, अदरक और गुड़, ये सब डाल देंगे और थोड़ी देर बाद में उसमें गुड़ डालेंगे रुक करके, और जब पानी आधा रह जाए और अच्छे से उबल जाए तो उसमें तुलसी की पत्तियां डाल देंगे। आपका मन करे तो आप तुलसी की पत्तियां पहले भी डाल सकते हैं, और 1-2 मिनट के बाद जब वो अच्छे से उबल जाए तो आप इच्छा अनुसार चाय पत्ती डाल सकते हैं। अगर आपका मन ना हो चाय पत्ती डालने का तो आप चाय पत्ती रहने देंगे, उसे छान करके आप पी सकते हैं। ये था सर्दी जुकाम में जो कफ जम जाता है उसको निकालने के लिए। अगर इसी के साथ फीवर भी आपको है साथ में, तो आप क्या करेंगे, आपको गिलोय की बेल आपके आसपास नज़र आ जाएगी, उस जो गिलोय की बेल है उसकी टहनियाँ आप लेंगे, छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और उनको भी अच्छे से उबालेंगे, 3 से 4 मिनट तक उबालेंगे। एक गिलास पानी जब आधा गिलास रह जाए तब उसको ले लेंगे, और दूसरी साइड अपन ये जो काढ़ा बना रहे हैं उसमें वो उबला हुआ छान करके पानी ऐड कर दीजिएगा और 1 मिनट तक उबलने दीजिएगा। तो ये जो काढ़ा है इससे आपकी बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये काढ़ा एक जो चाय का कप होता है वो 3 कप यानी कि सुबह शाम दोपहर पीना है, आपका जो फीवर है वो भी चला जाएगा और कफ है वो भी चला जाएगा। ये आजमाए हुए नुस्खे हैं, आप इनको यूज़ करिए और फ़ायदा उठाइए। इसके अलावा भी बहुत सारे काढ़े होते हैं, आप अकेली अदरक और तुलसी का काढ़ा पी सकते हैं, अदरक और लहसुन का पी सकते हैं, अकेली काली मिर्च का काढ़ा पी सकते हैं, नींबू और शहद का काढ़ा पी सकते हैं। अगर आप और तरीके के काढ़े जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए ज़रूर सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। और अगर आपको इसमें कोई डाउट है या फिर पर्सनली आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको मेरे नए वीडियो की अपडेट तुरंत मिल जाए। और हाँ, खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें, और अपना ध्यान रखें और सर्दी से बच कर रहें। थैंक यू।